बच्चों कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है YouTube पे कि इतने वीडियोस बन गए YouTube में, कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। मुझे समझ में भी आ रहा है, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और मैं एक एक लाइन आपको दे रहा हूं बच्चों, NCERT की एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ। अच्छे से आपको उस एक एक लाइन को देखना है और समझना है। कई बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ चुके हैं, व्हाट्सएप पर भी वो डाउट पूछ रहे हैं। जब भी टाइम मिल जाता है तो मैं डाउट देने आंसर देने का प्रयास करता हूँ। बच्चों अब अपने को ग्रुप 18 में पी ब्लॉक में ग्रुप 18 में यूजेस के ऊपर अपन को यहाँ पर आज अपन को ये लेक्चर कंप्लीट करना है। अपन आज यूजेस करेंगे, यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस एंड क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों 10 सेकेंड फॉर्मूला जो मैं अपने चैनल में लर्न विथ फन वाले चैनल में 10 सेकेंड फॉर्मूले के मैंने आपको वो बताया हुआ है कैसे क्वेश्चन हमें 10 सेकंड में करना है, वही चीज़ अपन इसमें प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने भी 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, आपके नोटबुक बनी हुई है, आपने उसको पढ़ा है, तो अपन उसमें क्वेश्चंस करेंगे। लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस आए हुए JEE क्वेश्चंस की थोड़ी तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यूजेज आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर। देखिए बोर्ड के ऊपर यूजेज, तो बच्चों ये आपका हीलियम के यूजेस। नंबर वन हमारे पास हीलियम है। अपन जानते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हीलियम के यूज़ के बारे में बात करें। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है बच्चों वो हीलियम का ही हम लोग करते हैं। इसमें 6 यूज़ हमें मिल रहे हैं, 6 यूज़, 1, 2, 3, 4, 5। ये यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं, 5 फिर देन 6, 6 यूज़ हमें हीलियम के मिल रहे हैं बच्चों। और नियॉन के थोड़े कम, ऐसे कम होते जाएंगे। ठीक है, हमें हीलियम के सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। बोर्ड पे मैंने आपको हीलियम के यूज़ दिए, बोर्ड पे आए आपके। देखिए पहला है आपका नॉन इन फ्लेमेबल एंड लाइट गैस, मतलब ये जलती बलती नहीं है। आप सोचें ये हीलियम जल जाएगी अपने आप, जैसे ऑक्सीजन देते हैं तो वो जलती है, ऐसे आप हीलियम देखते हैं तो वो नहीं जलती और हल्की गैस होती, लाइट होती है। क्योंकि लाइट गैस होती है इसलिए अपन बैलून्स में भरते हैं, बड़े बड़े जो गुब्बारे होते हैं उनमें भरी जाती है। हीलियम को बड़े बड़े गुब्बारे में भरते हैं क्योंकि हीलियम कौन सी गैस है बच्चों? लाइट गैस है, नॉन इनफ्लेमेबल है, अज्वलनशील, जो जलती नहीं है। चलिए सेकंड बच्चों है, इट इज़ यूज इन द फिलिंग बैलून्स। मैं अभी मैंने बताया बैलून से भरी जाएगी फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाई मेट्रोलॉजिकल? मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है बच्चों जो बाहर से कोई उल्का पिंड वगैरह आ जाते हैं उनकी अपन स्टडी करते हैं, उसको अपन मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं। मतलब बैलून्स को हमने भर दिया, छोड़ दिया हमने बैलून्स को, अब हम देख रहे हैं कि बाहर क्या क्या एटमॉस्फेयर में यहाँ पर क्या घटनाएं घट रही हैं, वो सब ऑपरेशंस कराते हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बैलून्स में हीलियम को भरते हैं। नंबर थर्ड में बच्चों, इट इज ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में इनका यूज़ होता है हीलियम का। गैस कूल्ड मतलब कि गैस को ठंडी करने के लिए, मतलब कि ठंडी कूलिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिक टेम्परेचर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूज़न होंगे। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस होगा रिएक्टर्स के अंदर, तो उनको कूल करने के लिए, टेम्परेचर को, एपरेटस को कूल करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। लिक्विड जो हीलियम होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, फोर्थ वाला पॉइंट में 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन। अब आप समझ लीजिए 273 केल्विन बराबर कितना है अपना 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से कितने डाउन टेम्परेचर होता है तब जाके हमें हीलियम लिक्विड फॉर्म में मिलती है। अब जो लिक्विड फॉर्म में हमें जो हीलियम मिलती है उसका हम लोग यूज़ करें क्रायोजेनिक एजेंट, फाइंड यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट, कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हो, जैसे लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हमें करवानी हो, तो क्रायोजेनिक एजेंट क्या होते हैं बच्चों? जब हमें लो टेम्परेचर पर हमें एक्सपेरिमेंट करवाने हैं। अब लो टेम्परेचर कैसे प्रोड्यूस होगा? कोई बीकर है, अब उस बीकर में हमें लो टेम्परेचर हमें लेके जाना है। अब हम इसको लो टेम्परेचर कैसे लेके जाएंगे? हमने यहाँ पर हीलियम को 4.2 पर केल्विन पर हमने हीलियम को एज ए लिक्विड फॉर्म में रख दिया। जब ये हीलियम लिक्विड फॉर्म में है अब यहाँ पर आप रिएक्शन करवा दीजिए।
तो अब आप यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं लो टेम्परेचर पर, जब आपको हीलियम को लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ा, तो इसलिए हीलियम एज ए क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको क्रायोजेनिक एजेंट कहते हैं। क्रायोजेनिक एजेंट का मतलब कि वो यहाँ पर वो एलिमेंट्स जो लो टेम्परेचर पर हम उसको लेके आ रहे हों, और जब वो लो टेम्परेचर पर आ रहे हो वहाँ पर हम रिएक्शंस करवा रहे हो, तो सेकंड जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो एक्ट एज ए क्रायोजेनिक एजेंट, नाइट्रोजन का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट लो टेम्परेचर करवाने तो हम लिक्विड हीलियम यूज़ करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट हमारा 4.2 केल्विन है। फोर्थ वाला जो हीलियम का हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों, वो कह रहा है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड सिस्टम सस्टेन सॉरी इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर, मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग MRI सिस्टम फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। जितने भी जो क्लिनिकल MRI अपन बोलते हैं, डॉक्टर चले आते हैं सर सिर का MRI करवा लीजिए, सिर का MRI हो रहा है, तो ये जो जितने भी MRI वगैरह होते हैं उसके अंदर आप देखते हैं फोटोग्राफिक प्लेट वहाँ पे इस्तेमाल होती है बच्चों। तो जो फोटोग्राफिक जो प्लेट का जब इस्तेमाल होता है MRI के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और वहाँ पर पेशेंट जाता है, वहाँ पर अपन को लगता है एक्सरे जैसे हो रहा है, तो उन मशीन्स के अंदर हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हीलियम जो है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का जब हम बनाते हैं उसको, तो वहाँ पर हीलियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को बनाए रखने के लिए हम हीलियम का यूज़ करते हैं। लिक्विड हीलियम का हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। लिक्विड हीलियम बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन है। बहुत सारे वेरियस एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो लिक्विड हीलियम का वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो NMR में और MRI में दोनों में हम लोग करते हैं इसका यूज़। तो ये हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट। सिक्स वाले पॉइंट है बच्चों, इट इज़ यूज एज ए डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस बिकॉज ऑफ इट्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हाथ में जा रहा है। वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। क्या हो रहा है बच्चों की जब अपन गोताखोर जो होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, जैसे गोताखोर पानी के अंदर जाएंगे तो जो सी लेवल होता है उस सी लेवल का जो प्रेशर हो जाता है, समुद्र का जो प्रेशर होता है, वो गोताखोर तो अंदर चला गया 30 फीट में, तो प्रेशर लगेगा। जब समुद्र का प्रेशर उसके ऊपर लगेगा, समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा है ना सी में, तो जब वो प्रेशर लगेगा तो उस प्रेशर पर पहले क्या होता था, जो ऑक्सीजन जो वो लेके जाते थे, ऑक्सीजन के साथ में वो नाइट्रोजन को साथ में मिक्सचर के रूप में लेके जाते थे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। और जैसे गोताखोर ऊपर आते थे तो जो नाइट्रोजन जो रहती थी हाई प्रेशर में ब्लड में डिजॉल्व हो जाती थी, और जैसे गोताखोर ऊपर आते थे तो अब प्रेशर हट गया, और जैसे प्रेशर हटा तो जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हाई प्रेशर में डिजॉल्व हो गई, अब उन लो प्रेशर हुआ डिजॉल्व ऑक्सीजन निकल रही है। तो जब वो ब्लड में से निकल रही है तो एक बीमारी हो जाती थी, उस बीमारी का नाम था रिकेट्स। एक रिकेट मतलब जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, इस टाइप से होता है, रिकेट हो गए, ऐसे हो गए हड्डियाँ मुड़ गई, तो इस टाइप से हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। तो बच्चों जो हड्डियाँ मुड़ जाती हैं वो कम मुड़ जाती हैं जब नाइट्रोजन डिजॉल्व होती है हाई प्रेशर पर। लो प्रेशर हुआ नाइट्रोजन निकल गई। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने हीलियम का इस्तेमाल किया। हीलियम हाई प्रेशर पर भी इसकी सॉल्युबिलिटी देखो क्या लिखा है, वेरी लो, बहुत कम सॉल्युबिलिटी है, मतलब वेरी लो सॉल्युबिलिटी होती है यहाँ पर, इसकी बहुत कम सॉल्युबिलिटी होगी बच्चों, वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। इसलिए नाइट्रोजन की जगह आजकल यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम हीलियम का। तो हीलियम इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन ब्लड, तो इसलिए रिकेट्स की बीमारी नहीं होती। तो इस प्रकार से बच्चों जो गोताखोर वगैरह होते हैं या जो गोताखोर जिस एपरेटस का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं, उसके अंदर मिला देते हैं वो हीलियम। तो ऑक्सीजन एंड हीलियम दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये हीलियम के मैंने आपको यूजेज आपको बता दिए बच्चों, हीलियम के यूजेज। अब नेक्स्ट आपका इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन कर रहे हैं यूजेज ऑफ नेक्स्ट गैसेज, दैट इज नियॉन। हाँ तो बच्चों ये हमारा सेकंड नियॉन, सेकंड है हमारा नियॉन, फर्स्ट हो गया है नियॉन सेकंड। इसका यूज़ देखिए, मेन यूज़ बच्चों क्या है इसमें, इट इज़ यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है अपने पास, इस टाइप की जो ट्यूब होती है उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग नियॉन भर देते हैं एज ए इनर्ट एटमोसफियर। यहाँ पर हम क्यों नियॉन भरते हैं, एज ए
इनर्ट एटमॉस्फेयर, हमें अक्रिय वायुमंडल पैदा करना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा करना है, इसलिए हम नियॉन भरते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। दिस इज योर डिस्चार्ज ट्यूब, ओके। और साथ में एंड फ्लोरोसेंट बल्ब, ऐसे बल्ब जो अब हमें कलर वाले बल्ब चाहिए, तो लो हमने फ्लोरोसेंट बल्ब बनाए हैं। फ्लोरोसेंट बल्ब में भी नियॉन भरते हैं, क्योंकि नियॉन का जो फ्लोरोसेंट बल्ब है वह एडवर्टाइजमेंट में काम आते हैं, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पस। आपने देखा होगा कि जितने भी शहर हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ग्लो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, तो ग्लो साइन बोर्ड में जो एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं उसमें जो ट्यूब्स होती हैं अंदर, उन ट्यूब्स में हम लोग क्या भरते हैं, हम नियॉन भरते हैं। सेकेंड है, नियॉन बल्ब्स आर यूज इन बॉटेनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेज। जो बॉटेनिकल गार्डन्स हैं उनमें भी हम नियॉन बल्ब का यूज़ करते हैं, ग्रीन हाउसेज में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नियॉन का जो मेनली यूज़ है वो डिस्चार्ज ट्यूब में और बल्ब के अंदर और एडवर्टाइजमेंट पर्पस में किया जाता है। इन सब में हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि नियॉन इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आर इनर्ट इन नेचर। ये सब के सब क्या होते हैं, इनर्ट इन नेचर है, क्रिया नहीं करते, क्योंकि बच्चों ये सब इनर्ट इन नेचर है, इसलिए इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पे करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में करेंगे, फ्लोरोसेंट बल्ब में करेंगे, इन सब में इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हमारा ये नियॉन भी खत्म हो गया, अब अपन आते हैं आर्गन में। तो थर्ड इसको उतार लीजिए, फिर आर्गन बताता हूँ मैं आपको। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट से हमारा आर्गन, आर्गन पे चल रहे हैं हम लोग। आर्गन का यूजेज देखिएगा, आर्गन का हम लोग यूजेज देख रहे हैं बच्चों। तो आर्गन इज़ यूज मेनली इन प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। हमें जो इनर्ट एटमॉस्फेयर हमें चाहिए है, कहाँ पर चाहिए हमें, हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस, मतलब ऐसी जिसमें कि हम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब निकालना है हमें, हमें उनकी मेटलर्जी से निकालते हैं, ओर से निकालते हैं, उनमें इतनी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उन प्रोसेस में हमें एयर नहीं चाहिए। जहाँ पे हमें एयर नहीं चाहिए वहाँ पे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, इनर्ट। इनर्ट एटमॉस्फेयर हमें चाहिए, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आर्गन का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज जिस एलिमेंट की होती है यहाँ पर एयर में वो क्या होता है, आर्गन होता है। तो मेनली जो है वो कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा परसेंटेज वाला, वो दैट इज़ आर्गन। रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता, आर्गन सबसे ज़्यादा होता है नंबर वन पर, ठीक है। तो आर्गन को जब हम निकाल लेते हैं तो उसका यूज़ हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में करते हैं बच्चों। सेकेंडली, क्योंकि ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में, इट इज़ ए इनर्ट इन नेचर, रिएक्ट ही नहीं करती किसी मेटल के साथ में, रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम लोग इसको मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं। कैसे कैसे, आर्क बेल्डिंग ऑफ मेटल्स और अलॉयज, मेटल्स या अलॉय की जो आर्क बेल्डिंग होती है, जो बेल्डिंग कराते हैं, अब दो मेटल उनको जोड़ना है, दोनों मेटल को जोड़ना है, जैसे कि हमें आयरन को आयरन के साथ हमें यहाँ पर जोड़ना है, तो हमने जो एटमॉस्फेयर है हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयरन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, Fe2O3 बना लेता है। तो ऐसे जो एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए ताकि रिएक्शन हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, आर्गन। तो जैसे आर्गन के एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कराते हैं, बेल्डिंग कराते हैं, तो ये बेल्डिंग यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर ये दोनों में बेल्डिंग हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो आर्क बेल्डिंग के यहाँ पर कहलाती है उसको, मेटल से अलॉयज में होगा। सेकेंड है बी एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनको भरने में आर्गन का यूज़ होता है, मतलब नियॉन का भी यूज़ होता है और आर्गन दोनों का। नियॉन का तो यूज़ एडवर्टाइजमेंट वाले, जो आपके एडवर्टाइजमेंट की जितने डिस्प्ले हैं उनमें यूज़ करते ही अपन लोग। आर्गन का इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घर में होते हैं उसमें आर्गन भर देते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव। ऐसे बच्चों इसका मतलब ये है, जैसे पोटेंशियम है, अब पोटेंशियम इज रिएक्ट्स विद वाटर एंड एयर। पोटेंशियम जो रहता है बच्चों, जो एयर होता है उससे जल जाता है KO2 के रूप में, यहाँ पर पोटेंशियम सुपर ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। एयर में ये पोटेंशियम, जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे पोटेंशियम रिएक्ट कर जाता है। अब हमें पोटेंशियम रखना है, पोटेंशियम रखने के लिए हमें एटमॉस्फेयर क्या चाहिए, इनर्ट, तो हमने आर्गन का यूज़ कर लिया। तो ऐसे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पोटेंशियम सीजियम रख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी आपकी टॉप टू बॉटम जाने पर है ना क्या होती है, बढ़ती कम होती, जल्दी बताइए। लिथियम, सोडियम, पोटेंशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, रिएक्टिविटी
यहाँ पर इंक्रीज होती, बढ़ती जाती है। सोडियम को तो तुम केरोसिन ऑयल में रख लेते हो, लेकिन पोटेशियम को तुम्हें पैराफिन बैग्स में रखना पड़ता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखना पड़ता है, या आर्गन वगैरह का यूज़ करके रखो। रुबिडियम, सीजियम, ये सब एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। फ्रांशियम तो इसे रेडिएक्टिव एलिमेंट, फ्रांशियम रेडिएक्टिव है, तो इसका तो कोई इशू है नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आर्गन का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है, हाई टेम्परेचर मेटलर्जी प्रोसेस में हो रहा है, मेटल या अलॉय के बेल्डिंग में कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब को भरने में कर रहे हैं, और लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आर्गन का यूज़ कर रहे हैं। चलिए आर्गन के बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट गैसेस, ठीक है, उतारिए इसको। हाँ तो बच्चों क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, अब ये दो बच्चे हैं यहाँ पर, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, और फिर रेडॉन था, तो यहाँ पर ये दो बच्चे हैं क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, तो इन दोनों का यूज़ भी हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में करेंगे, इनर्ट इन नेचर है, दे आर यूज इन लाइट बल्ब्स, जो हल्के वाले बल्ब, चाइना बल्ब वगैरह, डिजाइनेटेड फॉर स्पेशल पर्पज, उसमें क्रिप्टॉन और जेनॉन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये यूजेस आपका कंप्लीट होते हैं। यूजेस के बाद एक क्वेश्चन अपन उठाते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए आप फटाफट, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन मैं आपकी लाया इसमें, क्योंकि यूजेस हमारा ख़त्म हो गया है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ था, और इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया उससे रिलेटेड है बच्चों। तो क्या दिया, गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए नोबल गैस स्पीसीज विच इज आइसो स्ट्रक्चरल विद। देखिए बच्चों आइसो स्ट्रक्चरल कैसे होगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स LP, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी ये वीडियो वो 10 सेकंड फॉर्मूले के नहीं देखे हैं, वो सारे के सारे बच्चे वहाँ जाके देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो यहाँ के भी क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व होंगे। यहाँ पे देखेंगे अपन सेंट्रल एटम 7+1 8, 8+4 12, 12/6, 12/2 6, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 3 4 5 and 6 d2। sp3 d2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, sp3 d2 का मतलब ये हुआ कि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमें देखना है 7 इसके हैं, 1 8, 8 में से 4 जगह 4, मतलब यू गेट 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाइडल बाय पिरामिडल की जगह 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे हैं, इसका स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ऐसा। आई है यहाँ पर Cl यहाँ पर जाएगा, स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका, नोबल गैस का हमें मिलता है, तो हम देखते हैं बच्चों हमारे पास है यहाँ पर HCF2, HCF4, HCF6 और साथ में हमारे पास है HCO3। जब हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देख लें तो 8+2 10 होंगे, हमें 12 चाहिए हमें, तो 8+4 यहाँ पर कितने मिल जाएंगे 12, तो हमें इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन HCF4 होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर अंदाज लगा लिया, ये पूरा अंदाज आपको जो चैनल मैंने बनाई है आपने उस चैनल पर जाकर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, साथ में बच्चों यदि आप वहाँ पर क्वेश्चंस करवाएंगे जो मैंने क्वेश्चन 10 सेकंड का फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा डिटेल स्टडी वहाँ मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको हिंट करता जा रहा हूँ, HCF4 होना चाहिए, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, 8-4 2 है, तो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और sp3 d2 हो गया, तो इसका यहाँ पर आइसो स्ट्रक्चर हो गया आपका HCF4, तो HCl4 का आंसर क्या जाएगा आपका HCF4 आंसर हो गया। सेकंड यदि हम बच्चों लेते हैं IBr2, 7+1 8, 8+2 10, 10/2 5, 5 का मतलब हो गया sp3 d हाइब्रिडाइजेशन। लोन यदि sp3 d लोन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा, लेकिन लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं ये पता लगाना है हमें, तो यहाँ पर 7+8 8 में से 2 चले गए तो बचे 6 6 का मतलब हो गया आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, यू गेट 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं बच्चों। अब 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन हम HCF2 थोड़ा देख लें, क्योंकि HCF2 भी मुझे लग रहा है sp3 d2 है, 8+2 10 होता है, तो ये sp3 d2 है, sp3 d है, sp3 d2 नहीं sp3 d है HCF2।
एट में से टू चले गए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोल गया सिक्स, तो यहाँ पर यू गेट थ्री लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये आइसोस्ट्रक्चरल हो गया। तो आइसोस्ट्रक्चरल इसका क्या हो गया आपका HCF2। ये पूरा डिटेल आपका हाइब्रिडाइजेशन है, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ पूरा का पूरा आप हाइब्रिडाइजेशन करें, क्वेश्चंस करें, तीन चार वीडियो आ चुके हैं, लास्ट वीडियो उसका नीट का भी आने वाला है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन पूरा आपका ए टू जेड खत्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। बी आर ओ थ्री माइनस देखते हैं बच्चों, तो बी आर ओ थ्री माइनस में सेवन प्लस वन एट, एट में से यहाँ पर एट बाई टू कर दो तो हो गया यहाँ पर फोर आ रही है, तो एस पी थ्री है। तो जो एस पी थ्री में एक्स सी ओ थ्री हो सकता है, यहाँ पर एक्स सी ओ थ्री में देखो एट है, एट बाई टू फोर, तो ये भी एस पी थ्री है। लोन पे इलेक्ट्रॉन्स देखें तो यहाँ पर जीरो है, देखो ना यहाँ पर बी आर जीरो का एट है, सेवन प्लस वन एट, थ्री टू जा सिक्स नहीं, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स एक है, इसी यहाँ पर भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब एक यहाँ पर है तो यहाँ पर पिरामिडल शेप यहाँ पर मिल जाएगा, इट इज़ ए पिरामिडल शेप। तो इस प्रकार से पिरामिडल शेप मिल गया, पूरे शेप वगैरह पूरे स्ट्रक्चर्स मैंने, वो चैनल जो है अपनी कौन सी चैनल मैंने लर्न विथ फन में मैंने आप सबको हाइब्रिडाइजेशन एंड क्वेश्चंस पूरे करवाए हुए हैं, वहाँ से आप यहाँ पर क्वेश्चंस ले लेंगे। जो भी क्वेश्चंस बच्चों लर्न विथ फन बाई लर्न विथ फन केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसा चैनल बनाया बच्चों मैंने, लर्न विथ फन केमिस्ट्री बाई अनिल कुमार अवस्थी, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक इसको यहाँ पे वीडियोस नहीं देखे वो सब जाके वीडियोस देखे, लेंथ एंड एक्टिनाइट भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, ट्रिक्स आपको मिलेंगी, ऑक्साइसिड सल्फर की ट्रिक्स वहाँ पर हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर हैं, और साथ में हो सकता है वहाँ पे एमओटी भी मैं लूँगा। उसके बाद देखते हैं, कुछ बच्चे कोई डिमांड है, कुछ बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं कुछ बच्चे और नहीं कन्वर्सन्स, अब देखते हैं जितना मैं से बन सकेगा बच्चों मैं आपके लिए करता जा रहा हूँ, ठीक है, और आप लेते जाइए। बस मेरा कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है सब वहाँ पर लेते जाएँ और सब वहाँ पर जो है वो देख के अपने नोट्स बनाते जाएँ, क्वेश्चंस करते जाएँ, हर एक क्वेश्चंस आपके हाथ में वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो आज ये नोबल केसेस बच्चों ख़त्म हो गया, हमने आज पी ब्लॉक ग्रुप का 16, 17 एंड 18 ये पी ब्लॉक ग्रुप 12th के पूरे ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, 12th के पूरे ख़त्म हो गए हैं, आज इसका एंड था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्यों इतना ज़्यादा, बच्चों केमिस्ट्री में आप यदि नॉन ई केमिस्ट्री देखेंगे आप एनसीईआरटी की, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन अपने एक एक लाइन कवर की है मैंने केवल आपके लिए, कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा आपको कमी महसूस नहीं होगी, उसके नोट्स बना के मैंने आपको दिए हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स बना दीजिए डाल दीजिए, मेरा आज तक अनुभव यही रहा है बच्चों जो केमिस्ट्री जब आप इसको लिखेंगे तो जब भी आप ये केमिस्ट्री में आप लिखेंगे तो केमिस्ट्री आपको याद होगी, वो मैंने जो एस दिखाई दे गया तो मैंने एस लिख दिया, ठीक है, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से बच्चों अब आप अपन मिलते हैं दोनों तरफ से, इस चैनल में भी सर की चैनल जिसमें आपका ग्रुप ख़त्म हो चुका है, कोई बच्चे जो वेस्ट बंगाल के हैं वो कह रहे हैं 15 ग्रुप का भी है, तो उसमें धीरे धीरे मैं डालता जाऊँगा 15 ग्रुप का एक आध वीडियो, तो वेस्ट बंगाल के बच्चे 15 ग्रुप के जो चार लेक्चर हैं उसमें एक आध लेक्चर और आपको मिल जाएगा, हो सकता है सर से रिक्वेस्ट करूँगा कल ही दे देंगे सर, ठीक है, एक आध लेक्चर वहाँ पर बना हुआ है तो अभी बंद कर दिया था क्योंकि आपके यहाँ पर डिमांड थी। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का सोच रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के पहले अपन क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स मैं डी ब्लॉक की आपको दूंगा, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको याद करना डी ब्लॉक को कहाँ पे बैठा हुआ है एलिमेंट्स, जो दो मिनट वाला मेरा वीडियो उसको भी देखिए, प्रोडी टेबल याद करने का वीडियो उसको भी देखिए, साथ में डी ब्लॉक में 3D, 4D, 5D उसको हमें याद करना है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट की ट्रिक आपके हाथ में गई हुई है, तो बहुत सारे काम हमारे चलते जा रहे हैं और आपको दे रहे हैं। इस चैनल में भी आधे ज़्यादा काम यहाँ पे जा रहा है नॉनी केमिस्ट्री का, कुछ चीज़ जो मुझे लगती है वो मैं वहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हो गया, सारे बच्चे खुश हैं, थैंक यू वेरी मच।